देखिए, खबर आ रही कोरिया से, जहां पर मुस्लिम महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए हार नहीं मान रहे द वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैरिज के तहत छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक पहला मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। कोरिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के अहमद कॉलोनी में रहने वाली उज्मा परवीन ने आज थाना पहुंचकर बताया कि उसका पति दिलशाद 4-5 सालों से लगातार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता रहा है। अपने बच्चों की जिंदगी सवार दी और उसके खातिर किसी तरह उसके साथ गुजर बसर करती रही, लेकिन बीते बकरीद के 3 दिन बाद उसने फिर एक बार पैसों की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की और उसे 3 तलाक दिए जाने से परेशान महिला ने इस बात की जानकारी अपने मायके में दी और फिर अपने परिजनों को इस बात की जानकारी देने के बाद 3 तलाक देने के बाद हर घर से फरार हो गया और 2 दिन बाद आया तो घर से बाहर चले जाने को कहा गया। झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था, मारे भी थे इसको, उसका ड्राइवर फोन करके बोला आगे अपने लड़की को लेके जाओ, अम्मी से हमारे बोले नहीं तो हम कार्ड कर फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। 5 साल से मैं बर्दाश्त कर रही, मारते पीटते थे, मुंह बंद करते, कभी पंखा में बरसाने की धमकी देते थे, कभी उसका भाई चप्पल चप्पल को मारते थे, साफ अलग मेरे को बार देते थे, मारते थे पेट से बड़ा अलग पेट से धड़के धड़के के मारते थे, कभी किसी को नहीं कहते आज तक खून नहीं बता देते, जाने तो रहना ही तो वही चार तीन घर से मुँह मिले, आज फिर मारे हैं मारे भी। हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं कोरिया से संवाददाता। दिनेश, जिस तरह एक महिला ने अपनी दास्तां सुनाई है कि उसका पति उसे लगातार 5-6 सालों से दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा है और उसकी मांग अब पुलिस थाने में सुन ली है और पुलिस ने एक्शन भी लिया है, क्या कुछ पूरा मामला आपके इस मामले में है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सर जी कि इस पुलिस पूरी तरह से इस मामले को संज्ञान में ले लिया है, आरोपी जो पति है उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, चूंकि 3 तलाक का मामला है और सर जब से 3 तलाक जब से पारित हो गया है उसके बाद से पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जी, क्या लगता है अब जिस तरह हम बात करें, हाल ही में एक 3 तलाक को लेकर मसूदा भी पास हुआ और उसके बाद ये पहला केस माना जा रहा है कि इस मामले में पुलिस अपनी एक्शन ले सकती है, तो क्या कुछ अब आगे कार्रवाई की जा सकती है? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पर आरोपी पति के परिजन भी थाने में पहुंच गए थे और जो उसकी पत्नी है मऊ, उत्तर प्रदेश मऊ की रहने वाली है, उनके भी परिवार वाले आज कोरिया जिले के मनेंद्र थाने में पहुंच गए थे और उन्होंने ये कराया कि ये दहेज के नाम पर इसे बहुत प्रताड़ित करता था, आए दिन मारा पीटा करता था और जब आज महिला स्वयं थाने जाकर के आरोपी पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया इस मामले को लेकर के और तुरंत आरोपी गिरफ्तार हो चुकी सर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि जो दिलशाद आरोपी है उसने 2013 में शादी की थी और उसके बाद उसके 4 बच्चे भी हैं और वो गर्भवती है, ऐसे में उसके साथ इस तरह की दहेज की मांग करना उसके सामने समस्या खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर उस महिला ने हिम्मत से काम लिया और पूरी घटना की जानकारी पुलिस थाने में दी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश त्रिवेदी इस तमाम जानकारी के लिए।